प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली धसान गांव से एक मामला सामने आया है और मामला ऐसा है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर एक महिला शिक्षक के साथ स्कूल के इस शिक्षक के साथ दुष्कर्म का मामला उजागर हुआ है। शिक्षक सुनील खरे पर महिला शिक्षक ने साफ साफ आरोप लगाए हैं कि 2009 में महिला के पति का देहांत हो गया था, उसके बाद उसकी अनुकंपा नियुक्ति हुई, जिसके बाद वह पढ़ाने के लिए स्कूल जाने लगी, लेकिन वहीं स्कूल में पढ़ाने वाले एक शिक्षक सुनील खरे उसी बस में आया जाया करता था। जब कभी बस लेट लफीत हो जाती थी तो सुनील बाइक पर बैठाकर उस शिक्षिका को छोड़ने के लिए घर जाया करता था। बस इसी के बीच दोनों में नजदीकियां बढ़ गईं और सुनील ने फिर महिला के साथ दुष्कर्म किया और इतना ही नहीं उसका वीडियो भी बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। जब यह सब बातें शिक्षिका से सहन नहीं हुई तो फिर उसने थाने पहुंचकर पुलिस की शरण ली और फिर सुनील खरे पर मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें पुलिस ने 376 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया है, जहां से न्यायालय ने उसे मुकम्मल सजा सुनाई है और सुनील खरे यानी शिक्षक को सलाखों के भीतर पहुंचा दिया है। जमील खान, खबर एक्सप्रेस न्यूज, टीकमगढ़। MI मोबाइल स्टोर एवं रिधिमा मोबाइल लेकर आया है सैमसंग एवं बजाज फाइनेंस सुविधा। हर कंपनी का मोबाइल आसान किस्तों पर घर ले जाएं। साथ ही दिवाली के मौके पर विशेष ऑफर उपलब्ध है। हमारा पता है MI मोबाइल स्टोर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 16, रहली, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विवेक गुप्ता 93 29।